यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक जगह है दोस्तों, आप लोगों को अभी हम दिखाते हैं और क्या खतरनाक जगह है वो आप लोगों को अभी हम जरूर दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? भगवान से मिलाते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कृष्णा रिंग की ब्लॉग में आज आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और अभी सुबह सुबह का बज रहा है दोस्तों 4:45, और सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी दोस्तों को कृष्णा रिंग की ब्लॉग की तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, आज थोड़ा सा प्लान बना है कि छोटी दीदी के यहाँ हमको और स्वीटी को थोड़ा सा जाना है। तो अभी स्वीटी तैयार हो रही है बाहर में और हम तैयार हो चुके हैं दोस्तों, और अभी हमको और स्वीटी को थोड़ा देर में निकल जाना है छोटी दीदी के यहाँ। और आज आप लोगों को एक जगह पे हम घुमाने वाले हैं और एक जगह दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम लोग कुछ देर में दीदी का घर निकल चलते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों रास्ता में। तो दोस्तों, अभी हम और स्वीटी आ चुके हैं दीदी का घर के पास में, और आज आप लोगों को हम दिखाएंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक जगह है दोस्तों, आप लोगों को अभी हम दिखाते हैं और क्या खतरनाक जगह है वो आप लोगों को अभी हम जरूर दिखाएंगे। और स्वीटी भी मेरे साथ में है और हम लोग दोनों आज दीदी का घर घूमने के लिए आए हैं। तो आप लोगों को एक हम यहाँ पे, आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे पीछे बहुत केवल जंगल ही जंगल, और ये जो रोड आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इधर धनबाद है और इधर गिरिडीह है। यह धनबाद और गिरिडीह का हाईवे रोड है, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग खड़ा है टुंडी जंगल के पास में, और टुंडी जंगल हाथियों का जो झुंड आता है दोस्तों, इसमें बहुत विख्यात है। और आप लोगों को अभी हम दिखाने वाले हैं कि यहाँ से हाथी गुजरता है दोस्तों समय समय पर, उसके लिए सरकार द्वारा एक बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पे अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे कि क्या बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, सावधान, हाथियों के पार करने का क्षेत्र। तो ये है दोस्तों हाथियों का पार करने का क्षेत्र, आप लोगों को बैक कैमरा से हम दिखाते हैं। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, एलिफेंट्स क्रॉसिंग जोन। तो ये जो इधर आप लोग देख पा रहे हैं, इधर ये साइड और इधर जो आप लोग ये साइड देख पा रहे हैं जहाँ पे स्वीटी अभी खड़ी है, तो ये जो जोन है दोस्तों, ये हाथियों का झुंड यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे क्रॉसिंग कर चुका है। और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और स्वीटी को भी दिखा दिया कि इधर से हाथी आता है दोस्तों और इधर क्रॉस करता है, इसीलिए यहाँ पे सरकार द्वारा लगाया गया है कि आप जब भी व्यक्ति यहाँ पे क्रॉसिंग करे तो थोड़ा सा ध्यान रख के क्रॉसिंग करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार हाथी इसी रास्ते से होकर के और रामगढ़ की तरफ, जिधर विजय जी और रिया जी का घर है, उधर ये जंगल पूरा उधर ही गया है दोस्तों, रामगढ़ रांची तरफ। तो ये बहुत बड़ा जंगल है, तो इधर से ही जाता है उन लोगों के घर तरफ, और इधर बंगाल से हाथी आती है दोस्तों। तो स्वीटी भी अभी देख चुकी है यहाँ पे हाथी क्रॉस करने का ये जगह है। और ये जंगल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कितना घना जंगल है आप लोग देख सकते हैं। और यहीं पे बोर्ड लगा हुआ है, और आप जहाँ तक आपका नज़र जाएगा जंगल ही जंगल है यहाँ पे, और दोनों साइड हाईवे रोड क्रॉसिंग किया हुआ है। हम लोग अभी खड़ा है और अब कुछ देर में पहुँच जाएंगे दीदी का घर। और दोस्तों, अभी अभी पहुँच चुके हैं दीदी का घर से अपना घर, और अभी लगभग 7:30 का, शाम का 7:30 बज रहा है दोस्तों। रास्ता में थोड़ा सा पानी भी पड़ने लगा जिसके कारण हम लोगों को लेट हो गया, और मोबाइल हम डिक्की में डाल दिए थे जिसके कारण आप लोगों को हम नहीं दिखा पाए। तो अभी जस्ट हम लोग घर पहुंचे हैं दोस्तों, और थोड़ा सा 10 मिनट आराम करेंगे, क्योंकि आज बाइक भी चला ली है और थोड़ा रास्ता भी ख़राब है दीदी का घर जाने में। तो अभी हम और स्वीटी तुरंत पहुंचे हैं घर, और अभी थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं दोस्तों, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों, रात का लगभग अब बज चुका है 9:30, और रिंकी जी भी खाना खा चुकी हैं, हम भी खाना खा चुके हैं, और टुक टुक, स्वीटी, मम्मी पापा सब सो चुके हैं। और अब तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, आज का वीडियो को। तो आशा है दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज
सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।